नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार साहनी। बहुत जल्द ही यूपी में भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां सियासी मैदान में हलचले तेज करती हुई नजर आ रही हैं। देखा जा रहा है जिस तरह से अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की, 37 सीटों पर जीत दर्ज की लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा की 5 गढ़ वाली सीट और अन्य 5 सीटों पर आखिर समाजवादी पार्टी किस तरह से प्रदर्शन करती हुई नजर आती है। वहीं बात की जाए आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की, तो दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आएंगी। और ऐसे में क्या आजाद समाज पार्टी लोकसभा चुनाव की तरह ही एक बार फिर से बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी? क्या चंद्रशेखर आजाद उसी तरह से रणनीतियां बनाते हुए नजर आएंगे जिस तरह से नगीना पर जीत दर्ज करने से पहले वो रणनीतियां बनाते हुए नजर आए और उसके बाद नगीना से सांसद बनते हुए नजर आए, संसद में तमाम मुद्दे उठाते हुए नजर आए, केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आए? क्या वही अब मुद्दे, वही रणनीति चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर लेकर आएंगे, उन्हीं के माध्यम से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या मायावती को एक बार फिर से बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है? जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई और एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई, तो क्या चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर से मायावती का वोट बैंक खींचने में कामयाब होते हुए नजर आएंगे? और अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंतर कलह का माहौल है उससे कहीं ना कहीं विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच जो सियासी जंग जारी है उसमें कहीं ना कहीं दोनों ही नेताओं का यहाँ पर खामियाजा होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी क्या लोकसभा चुनाव की तरह ही बड़ा झटका झेलती हुई नजर आएगी या फिर उससे उभरने के लिए तमाम यहाँ पर बड़ी रणनीतियां बनाती हुई नजर आएगी? क्योंकि देखा जा रहा है जब से सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच तनातनी का माहौल शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसमें पार्टी की तमाम आलाकमान उनके साथ बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ में बैठक होती है, दिल्ली में बैठक होती है, इन तमाम बैठकों के बाद कहीं ना कहीं दोनों ही यहाँ पर नेताओं को, या यूं कहें दोनों ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को यहाँ पर शांत कराया गया है। और एक तरफ देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य के साथ ब्रजेश पाठक उनका यहाँ पर समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़ा झटका लगने के बाद कहीं ना कहीं अलग थलग नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में अगर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आता है तो क्या विधानसभा चुनाव 2027 तक का सफर यहाँ पर कहीं ना कहीं मुश्किल होता हुआ नजर आएगा? और ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर से उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आएगी या चंद्रशेखर आजाद और मायावती कुछ सीटें यहाँ से निकालने में कामयाब रहेंगे? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।